Hello students, today in this video I am going to teach you class 10th chapter 3rd problems based on ages. तो ages से related questions हम कैसे solve करते हैं उसको समझेंगे. ये question बाद में solve करेंगे, पहले समझते हैं topic को. मान लीजिए एक person A है, एक person B है. तो हमने मान लिया x, A की age, x present age जो है वो x है और B की present age y है. क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि आफ्टर 5 इयर्स ए विल बी 5 टाइम्स ऑफ बी. आफ्टर 5 इयर्स ए विल बी 5 टाइम्स ऑफ बी. आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद. आफ्टर लिखा हो सकता है या हेंस भी लिखा हो सकता है. आफ्टर 5 इयर्स ए विल बी 5 टाइम्स ऑफ बी मींस ए की एज प्रेजेंट एज एक्स है. तो आफ्टर 5 इयर्स ए की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 5 एंड बी की एज हो जाएगी वाई प्लस 5. अब क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स ए विल बी 5 टाइम्स ऑफ बी. तो ए जो है बी से 5 टाइम्स है. मींस अगर हम यहां लिख देते हैं एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5 और बोलते दोनों इक्वल हैं तो हम गलत कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि ए जो है बी से 5 टाइम्स है. तो दोनों वैल्यूज को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी की एज में 5 का इंटू करना पड़ेगा. एग्जाम्पल सब लोग समझते हैं. मान लीजिए ए की एज 50 है और बी की एज 10 है. अब दोनों को इक्वल करने के लिए 50 जो है 10 से 5 टाइम्स है. तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें 10 में 5 का इंटू करना पड़ेगा तब हम इक्वल हैं. तो इस तरह इक्वेशन बना सकते हैं अपनी x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 5. आज क्वेश्चन कहता है 5 इयर्स है वो. a विल बी 3 टाइम्स ऑफ बी. अब ए जो है बी से 3 टाइम्स हो गया 5 इयर्स है वो. तो 5 इयर्स है वो मतलब 5 साल पहले. ए की प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले ए की एज हो जाएगी एक्स माइनस 5 और बी की एज हो जाएगी वाई माइनस 5. अब ए जो है बी की एज से 3 टाइम्स है यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू इसमें 3 का इंटू करेंगे क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है. तो ये इसका 3 टाइम्स है तो जो छोटी वैल्यू है छोटा नंबर है उसमें 3 का इंटू कर दिया. तो इससे हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं. क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है मान लीजिए इक्वेशन कहता है 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स ए विल बी 2 इयर्स मोर Then 5 times of B. Means, अब क्वेश्चन कह रहा है कि A की एज 2 ईयर मोर है B के 5 टाइम्स से. तो अगर 2 ईयर मोर है यानी कि हम इसमें 5 का इंटू कर देते हैं. 5 का इंटू करने के बाद भी अगर कहता है 2 ईयर मोर है तो दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल नहीं हुई है. तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इधर 2 का प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहा है 2 प्लस 2 ईयर मोर. तो ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से 2 ईयर मोर है. इसको समझते हैं. मान लीजिए ए की एज 52 है बी की एज 10 है तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स किया हमने तो 50 हो जाएगा. अभी भी ये वैल्यू इस वैल्यू से 2 मोर है तो 2 मोर है तो 2 प्लस कर देंगे हम फिर दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएंगी. तो इस तरीके से अगर कहता है लेस तो माइनस कर देंगे. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कहां प्लस करना है कहां माइनस करना है कहां मल्टीप्लाई करना है. तो आई नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 ईयर हेंस 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. 5 साल बाद जैकब की एज अपने सन की एज से 3 टाइम्स है. 5 ईयर से वो 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स. डेट ऑफ हिज सन. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस?
एंड सॉल्व द क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी है, क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट जैकब्स एज बी एक्स ईयर्स, प्रेजेंट मान लेते हैं, और सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। फर्स्ट केस, सबसे पहला काम इक्वेशन बनाने का। फर्स्ट केस, फाइव ईयर हैंड्स, पांच साल बाद, तो जैकब्स की एज कितनी हो जाएगी? अभी बताया था पांच साल बाद करेंगे तो जो प्रेजेंट एज फाइव प्लस कर दो, और सन की एज कितनी हो जाएगी? सन्स एज विल बी वाई प्लस फाइव। जैकब्स एज एक्स प्लस फाइव एंड सन्स एज वाई प्लस फाइव। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, जैकब की एज सन की एज का थ्री टाइम्स हो जाएगी, मींस ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से थ्री टाइम्स ज्यादा है, तो दोनों वैल्यूज को इक्वल करने के लिए हम इसमें थ्री का इंटू कर देंगे, तो इक्वेशन बनेगी यहां पर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस फिफ्टीन। वाई को अंदर ट्रांसफर करेंगे एक्स माइनस थ्री वाई फिफ्टीन, फाइव को अंदर ट्रांसफर करेंगे माइनस फाइव, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन। फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड, केस सेकंड में कहता है फाइव इयर्स एगो, पांच साल पहले, तो जैकब्स की एज कितनी हो जाएगी? जैकब्स की एज हो जाएगी एक्स माइनस फाइव, जैकब की प्रेजेंट एज एक्स है, पांच साल पहले एक्स माइनस फाइव हो जाएगी, सन्स एज हो जाएगी वाई माइनस फाइव। जैकब की एज एक्स माइनस फाइव, सन की एज वाई माइनस फाइव। अब जैकब की एज सन की एज से सेवन टाइम्स है, मींस इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करने के लिए छोटी वैल्यू में सेवन इंटू कर देंगे, सन की एज सेवन इंटू कर देंगे, तो क्या बनेगा? एक्स माइनस फाइव सेवन मल्टीप्लाई वाई माइनस फाइव। यहां से क्वेश्चन बनेगी हमारी एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस थर्टी फाइव। वाई को उधर, वाई की वैल्यू उधर भेजेंगे तो माइनस सेवन वाई उधर आएगा, माइनस थर्टी फाइव, फाइव को उधर भेजेंगे प्लस का फाइव आ जाएगा, एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू थर्टी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, माइनस थर्टी, सॉरी। नाउ वी विल सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम एनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम चाहे एक्स की या वाई की फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम फर्स्ट लेते हैं एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन, माइनस थ्री वाई अगर भेजेंगे प्लस का थ्री वाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन से बनाया है, एक्स के लिए फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की है, तो इसको हम थर्ड ऑपर करेंगे, तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑपर करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, इक्वेशन सेकेंड एक्स की जगह हो जाएगा टेन प्लस थ्री वाई, बाकी को सब कुछ ऐसे ही रखा जाएगा माइनस थर्टी, तो थ्री वाई प्लस का है माइनस का सेवन वाई है, तो माइनस का फोर वाई बचेगा, टेन को उधर भेज देंगे माइनस थर्टी माइनस टेन, तो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का फोर्टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टेन से जाएगा फोर से जाएगा टेन टाइम्स, वाई की वैल्यू हो जाएगी टेन। नाउ पुट द वैल्यू बाय इन एनी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड पुट करते थे, एक्स माइनस थ्री वाई की जगह हो जाएगा टेन इज इक्वल टू टेन, एक्स माइनस थर्टी
इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x की वैल्यू हो जाएगी 40। तो x जो था वो जैकब की एज थी, तो जैकब की जो एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज वो हो जाएगी 40 इयर्स, एंड सन्स एज हो जाएगी 10 इयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 years ago फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल पहले फादर की एज सन की एज की 5 times थी, एंड 2 years लेटर हिज एज विल बी 8 more than 3 times ऑफ हिज सन। 2 साल के बाद फादर की एज सन की एज के 3 times से 8 more है, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सी पहले मान लेते हैं, लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। केस फर्स्ट, 2 years अगो, 2 साल पहले, 2 years अगो, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज x माइनस 2, एगो मतलब 2 साल पहले, तो माइनस करेंगे, एंड सन्स एज इज इक्वल टू y माइनस 2। फादर की एज सन की एज का 5 times है, मींस ये वाली वैल्यू x माइनस 2 वाली वैल्यू इस वैल्यू से 5 times ज्यादा है, तो दोनों वैल्यूज को इक्वल करने के लिए इस वैल्यू में 5 का इंट करेंगे, तो x माइनस 2 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 2, तभी दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 5 का इंट कर देंगे, 5 माइनस 5 y माइनस 10, x माइनस 5 y माइनस 10, 2 को उधर भेजेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 5 y इज इक्वल टू माइनस का 8, फर्स्ट इक्वेशन। Now we will come to the next point, next case, case second. Case second में कहता है, 2 years later, his age will be 8 more than 3 times of age of son. His age will be 8 more. तो 2 years later. तो 2 साल बाद फादर की जो एज हो जाएगी x प्लस 2 और सन की जो एज हो जाएगी y प्लस 2। अब फादर जो है वो 3 times से भी 8 more है उसकी एज, यानी कि अगर हम इस वाली वैल्यू में 3 का इंटू कर दें तो भी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, तो वैल्यूज को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का इंटू करने के बाद इसमें 8 प्लस और करना पड़ेगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y प्लस 2 प्लस ये अभी भी 8 more है, 8 more है यानी कि इधर हमें 8 प्लस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 2, 8 को उधर भेज देंगे माइनस, ये बन जाएगा x प्लस 2 3y प्लस 6 प्लस 8, x माइनस 3y ये हो जाएगा 14 माइनस 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी विल सॉल्व बोथ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, x माइनस 5y is equal to minus 8, x minus 3y is equal to 12, दोनों साइन, दोनों जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, जब साइन सेम होते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 2y बचेगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, उससे गया ये 10 times,
तो बाई की वैल्यू बढ़ गई वो 10, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट पुट कर देंगे एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इंटू टेन इज इक्वल टू माइनस का 8, तो एक्स माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू माइनस का 8 सॉल्व कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 प्लस 50, एक्स इज इक्वल टू हो गया 42। तो फादर्स एज लास्ट में लिख देंगे लाइन लास्ट में लिख देंगे फादर्स एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स एंड सन्स एज इज 10 ईयर्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। एक आदमी की एज अपने 2 सन की एज से 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ हिज 2 सन्स, देन फाइंड द एज ऑफ मैन। सी यहां पर एक सन नहीं, यहां पर 2 सन के बारे में बात की जा रही है। तो लेट मेंस प्रेजेंट एज बी एक्स एंड 2 सन्स प्रेजेंट एज बी बाई एक्स। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस ए मेंस एज 3 टाइम्स है अपने दोनों सन की एज के सम से, तो यहां मान लेते हैं सम ऑफ 2 सन्स एज भी बाई दोनों सन का जो एज का सम है वो बाई ईयर्स है। सो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ बाई, यानी कि एक्स और बाई को इक्वल करने के लिए हमें इस वैल्यू में बाई की वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड आफ्टर 5 इयर्स जो मैन की एज हो जाएगी मैन्स एज मैन की एज प्रेजेंट इज एक्स है 5 साल बाद, यानी कि मैन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 5 और सम ऑफ 2 सन्स एज जो हो जाएगा दोनों सन की जो एज का सम है वो बाई है। तो 2 सन है यानी कि दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 10। अब नाउ मेन्स एज विल बी ट्वाइस, मेन की एज ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू है एक्स प्लस 5 है वो बाई प्लस 10 से ट्वाइस है। एक्स प्लस 5 ट्वाइस ऑफ बाई प्लस 10 सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 5, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 15। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुट द 3y माइनस 2y इक्वल टू 15, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे तो यहां जो बनेगा बनेगा x is equal to 3 into 15, x is equal to 45 years. So the man's age will be 45 years. This is your final answer.